गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इंदौर से निकलने के लिए एकदम से रेडी हैं। अब यहाँ से हम लोग ओमकारेश्वर जाएंगे फाइनली, जो कल का प्लान था। तो हम लोग अभी डे 3 पे ओमकारेश्वर के लिए निकल रहे हैं। सभी रेडी हैं तो आज के जर्नी की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ, हर हर महादेव। अभी एक शॉर्ट ब्रेक, चाय और नाश्ता करेंगे और फिर आगे जाएंगे। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है करीब करीब, तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पूरे इंदौर से बाहर आ गए। अभी हम लोग इंदौर खंडवा रोड पे हैं, जो कि ओमकारेश्वर की तरफ जाता है। और अभी हम लोग को घाट सेक्शन लगा है और काफ़ी खूबसूरत घाट है। सिंगल रोड, हर तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली। बीच बीच में कुछ कुछ देर रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा था, घाट सेक्शन में नहीं, घाट सेक्शन के पहले। तो शायद ये आगे चल के रास्ता काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। ट्रैफिक भी ठीक ठाक दिख रहा है इस रास्ते पे। हो सकता है संडे इसीलिए भी ज़्यादा ट्रैफिक हो, बट मुझे पता नहीं ये यहाँ पे हमेशा ऐसे ही ट्रैफिक होता है या फिर सिर्फ आज के लिए है, वीकेंड के लिए। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप रोड देख रहे हैं वो इंदौर खंडवा रोड के एकदम पैरेलल में ये रोड है और बीच में नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। नर्मदा रिवर को हम लोग क्रॉस करके आए एक कैनल रोड के थ्रू, बट वो रोड इतना डस्टी था कि हम लोग बिल्कुल कुछ शूट नहीं कर पाए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एटलीस्ट वो 2 किलोमीटर का रोड था और वो 2 किलोमीटर में ट्रैफिक भी खूब थी। तो फाइनली हम लोग वो रोड छोड़ दिए और लेफ़्ट मारने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आगे ओमकारेश्वर की तरफ। और यहाँ रुकते हैं, केपी शायद वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं और केपी दोनों ही है। वो डस्टी रोड पे कौन कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 पैरेलल रोड थे कैनल के, तो कोई लेफ़्ट से गया कोई राइट से गया। तो अभी हम लोग वेट करके फ़ोन करके चेक कर। सो फ्रेंड्स, हमने चेक कर लिया, हमारे सारे फ्रेंड्स अभी आगे हैं, थोड़ा मे बी 5 मिनट के डिस्टेंस पे होंगे, और मैं और केपी पीछे हैं। तो बस थोड़ी देर में हम उन्हें कैचअप कर लेंगे। और ये रोड अब स्ट्रेट ओमकारेश्वर तक जाएगा, काफ़ी सीनिक रोड है, दोनों तरफ पूरी हरियाली। और आज थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, हमने थोड़ा पता किया। और उसका रीज़न यही है कि जो 3 दिन लॉन्ग वीकेंड था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, नॉर्मली ऐसा नहीं रहता। तो बढ़ते हैं आगे महादेव के और करीब ओमकारेश्वर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम ओमकारेश्वर फाइनली पहुंच गए। हमने गाड़ी पार्क कर दिया, एक टेम्प्रेरी रूम ले लिया जहाँ पे हमने अपने सब सामान रख दिया, गाड़ी पार्क कर दी, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये देखिए नर्मदा नदी, पानी बड़ा कम लग रहा है और इसमें लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं दोनों तरफ। अच्छा, ये डैम है इसीलिए यहाँ पे पानी कम दिख रहा है। देखिए राइट में डैम दिख रहा है आपको, और वो जो पहाड़ पे आपको मूर्ति दिख रही है, एक्चुअली वो नहीं है ज्योतिर्लिंग, नीचे ही कहीं तो है, शायद राइट साइड वाला।
पता नहीं, किसी को पूछना पड़ेगा। ये मंदिर कौन सा, यही है? अच्छा शायद मंदिर यही है। नर्मदा रिवर के ऊपर ये फुटब्रिज बनाया है क्रॉस करने के लिए, बोट से भी जाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लॉन्ग वीकेंड होने के वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो हमें पता चला है कि आगे मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी बड़ी लाइन है। तो अब जा रहे हम लोग आगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में पता किया, बट शायद वो बंद है अभी, रीज़न नहीं पता, बट अभी फ़िलहाल वो बंद है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कितना देर यहाँ पे हमें बिताना पड़ेगा। कल हमारे फ्रेंड्स लोगों ने ऑलरेडी लेट कर दिया इंदौर में स्टे करके, नहीं तो हम यहाँ कल ही आए होते, तो हम लोग ऑलरेडी एक दिन से डिले हैं। चलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स फाइनली 3.5 घंटे की लाइन लगा के हम लोग दर्शन करके आ गए, और फिर अब बोट से नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ओमकारेश्वर से निकल के अभी कृष्णेश्वर टेंपल की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग आज मोस्टली धूले में स्टे लेंगे क्योंकि हम लोग को काफ़ी लेट हो गया है। हमने जो प्लान चेंज किया था और जो हमने डिसाइड किया था इंदौर रुकने का, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी डिले चल रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं MP में ही है, बट इंटरनल रोड से, हाईवे से नहीं ले जाकर इंटरनल रोड से ले जा रहा है, और ये फिर से हमें नर्मदा नदी के ऊपर पुल मिला है। बट ये हाईवे वाला नहीं है, ये इंटरनल रोड का पुल है। और देखिए शाम के समय नर्मदा, और लगभग सनसेट होता हुआ, काफ़ी प्यारा और अद्भुत नज़ारा। हमारे सारे दोस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मतलब ओमकारेश्वर से निकल के घृष्णेश्वर जाने वाले थे, तो घृष्णेश्वर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन सुबह जाएंगे। तो हम लोगों ने क्योंकि हमारा प्लान डिले हो गया था, तो हम लोग धुले के पास जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, हाईवे पे हम लोग ने एक होटल ले लिया, और ये अभी होटल का नज़ारा देखिए। होटल का नाम है टॉप लाइन रिजॉर्ट, तो काफ़ी अच्छे रूम्स है। हम लोग थके हुए थे तो नींद भी अच्छी होगी और होनी चाहिए, तो अब सवेरे निकलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।